एंड अ वेरी गुड इवनिंग कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब आज क्या कर दिया श्रीलंका ने, इतनी ज्यादा तो उम्मीद नहीं लगाई थी, सिर्फ इंग्लैंड से जीतना ही तो था तो ऑस्ट्रेलिया रहता सेमीफाइनल्स में, लेकिन नहीं ऐसा हुआ, इंग्लैंड को जाना सेमीफाइनल में और श्रीलंका ने नहीं की मदद ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हो गया है T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर, डिफेंडिंग चैंपियन इन देयर होम ग्राउंड। How did that happen to them? Well, हमने ऑफ कलर देख लिया था ऑस्ट्रेलिया को शुरू से ही, लेकिन ये हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस बारे में होगा एनालिसिस क्योंकि ये बड़ा धमाका है क्रिकेट की दुनिया में, और हम शामिल करेंगे हमारे साथ क्रिकेट में स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आगे का जो सिनेरियो है वो आपके साथ शेयर करना है, तो ये रिपोर्ट देखिए। सो वी सॉ कि किस तरह से आज श्रीलंका नहीं जीत सका, लेकिन विकेट जिस तरह से आज श्रीलंका ने इंग्लैंड की गिराई थी, it was kind of there where you thought that yes, England might not and Australia may, but we definitely have to talk what Sri Lanka did so good but didn't do enough today. क्या हो गया? आप क्यों ऐसा समझ रही थीं कि श्रीलंका जीत जाएगा, इस सवाल का मुझे जवाब दें। मैं क्यों ऐसा ना समझूं कि कोई टीम जीत सकती है? जीत तो कोई भी सकता है जीत तो कोई भी सकता है, बट इंग्लैंड एक्सपेक्टेड एक ऐसा ही सिनेरियो है जो हम डिपेंड कर रहे हैं, तो हम तो डिपेंड कर रहे हैं तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट। प्रॉब्लम सारी है वहां पर, हम अपने ऊपर नहीं दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं। ये होता है जब आप किसी दूसरे पर डिपेंड, अपने आप पे डिपेंड कर रहा था, उन्हें अच्छी क्रिकेट खेलनी थी और उन्होंने क्वालिफाई कर जाना था। पिछला मैच भी उन्होंने अंडर प्रेशर खेला है, दोनों मैचेस वो ऐसे खेले कि कोई भी हारते और वो बाहर हो जाते, तो अच्छी क्रिकेट तो इंग्लैंड ने खेली ना। फिर आज देखें टॉस वो हारे, सिडनी में मैच था जहां पता था कि श्रीलंकन स्पिनर्स तंग कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, 84 के करीब रन हो गए थे, 10.4 ओवर्स में थे उनके जो मुझे यहाँ तक याद है, और उसके बाद 3 आउट हो गए, तो वहां से उन्होंने उन्हें रोका 141 पे। फिर आप ये सोचें कि इनका भी बड़ा अच्छा जो सर्कल में स्टार्ट इंग्लैंड का रहा, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली, जरूर 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए, फिर उनके कप्तान ने अंडर प्रेशर नॉट आउट रह के आगे तक टीम को लेके गए। तो एज ए टीम जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप डिजर्व करते हैं, और ये जो दो बैक टू बैक प्रेशर गेम्स खेल के गए हैं, ये इनको आगे नॉकआउट स्टेज पे बहुत ज्यादा मदद करेगा, बिकॉज अगली टीम जो है वो इस माइंड सेट के साथ नहीं आ रही होगी। ये तो दो मैच खेल गए हैं ना कि जिनमें इन्हें पता था कि हारे बाहर हुए, ये जब आप इस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं और आगे जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी चांस ये होता है कि फिर आप वो इवेंट जीतते हैं। तो इंग्लैंड की पहले भी बात हो रही थी कि ये वर्ल्ड कप जीत सकता है, और अब जिस तरह से ये आगे तक पहुंचे हैं, अगर तो इन्हें इंडिया के अगेंस्ट खेलना होता है तो इंग्लैंड बहुत बेहतर साइड है। बेन स्टोक्स की हम जरूर तारीफ करेंगे, आप देखिए कितना वर्ल्ड कप का फाइनल अंडर प्रेशर, फिर एक टेस्ट मैच एशेज का था अगेंस्ट इंग्लैंड, वो फिर आज प्रेशर में था, आउट हो रहे थे। बड़ी क्वालिटी है ये किसी भी स्पोर्ट्समैन की या क्रिकेटर की कि वो जब प्रेशर में होता है उसमें परफॉर्म करे, वैसे परफॉर्मेंस तो सब दे देते हैं, लेकिन आप देखिए ना आज थोड़ा बहुत बीच में से ऐसा लगा था कि हम तो घबरा जाते हैं जब ऐसी पोजीशन हो, पीछे से कोई ना कोई सब आउट होना शुरू हो जाते हैं। वहां पर एक प्लेयर, एक सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो टीम को आगे तक लेके जाए, तो उसने अपने खेल का अंदाज भी चेंज किया, वरना वो इतने कम बॉलों में इतने रन बनाता है। One way or the other, we have seen all of the teams struggling against the other team. एक मैच में अगर एक टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है, अगले मैच में हम उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसते स्ट्रगल करते देखते हैं। अभी towards the end, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा भी हो जाता है that you've played so many matches and then you've traveled from one place to other. बहुत ज्यादा आप डिफरेंट टाइम जोन से भी आ रहे होते हैं, व्हाट रियली कीप देम गोइंग, बिकॉज कहीं ना कहीं आकर आप इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली मैचेस खेलते 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 यू डू गेट टायर्ड, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। और अभी मैं देख रही थी आज भी आई सॉ वन ऑफ द प्लेयर्स वाइल रनिंग, उसको एक क्रैम्प हुआ था, तो सर्दी भी बहुत ज्यादा है, दैट डज अफेक्ट द फिटनेस एज़ वेल। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनसे ये डिमांड है और उस पर उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, हमें दूर से ज़रूर लगता है आसान नहीं है उनकी जॉब, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अक्सर जब आप स्पोर्ट्समैन पे या किसी क्रिकेटर पे इस तरह से तनकीदियाँ ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे होते हैं ना, तो ज़रा उस प्रोसेस से गुजरे जिससे वो गुजर के आगे तक आएँ। कहना बड़ा आसान होता है, आप बाजों का दबाजें लगा देते हैं, पर्ची भाई सही। ये ऐसा नहीं है, अगर आप मेरिट की बात करें ना ओवरऑल जो हमारे मुल्क में, उस मेरिट के लिहाज से तो वो तो फिर भी एक प्रोसेस से होके आता है। तो
उस पर बड़ा उस पर प्रेशर होता है अगर वो परफॉर्म नहीं करता हमेशा। इसीलिए अगर तनकीद करनी तो उन लोगों पे करें कि जो इन खिलाड़ियों को सेलेक्ट या लेके आते हैं खिला रहे होते हैं, वो तो अपनी 100% देते हैं ना, जितनी पोटेंशियल है भी होती है। हम देखने वालों के मजे होते हैं कि जो चाहे कह दें। अच्छा, वेल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फेयर भी होती है थोड़ी बहुत तनकीद, लेकिन अनकाइंड जहाँ पर लोग हो जाते हैं ना वहाँ पर वो ज्यादती होती है, वेयर वी क्रॉस द लिमिट्स ऑफ बीइंग अ फैन फ्रॉम बीइंग अनकाइंड। एनीवेज, यहाँ पे मुझे लेना है ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद भी बात होगी पाकिस्तान के मैच की, हमें फेस करना है बांग्लादेश को, पाकिस्तानी टीम कैसी करी है तैयारियां। लेकिन जाने से पहले मैं दिखाऊंगी आपको फ्लाइंग मूवमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। तो कल है हमारा मैच बांग्लादेश से। अब बातें तो बहुत सारी हो रही है कि पाकिस्तान ये जीत जाए और फिर इंडिया हार जाए, और फिर जब इंडिया हार जाएगा तो हमें जगह मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया पहले ही बाहर हो चुका है और ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा, 1992 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था, ये सारा एक सिनेरियो है। लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि पाकिस्तान कल तो अपना मैच जो खेल रहा है वो बांग्लादेश से जीत जाए अच्छे से। तो क्या सिनेरियो है कल के लिए, क्या तैयारियां हैं, देखते हैं रिपोर्ट। Well, कल है 3 मैचेस और हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है 2 मैचेस, दैट इज अगेंस्ट इंडिया जिम्बाब्वे इज गोना प्ले एंड अगेंस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश इज गोना प्ले। वी आर लुकिंग एट 2 मैचेस वेरी क्लोजली, बट इसके अलावा भी एक मैच है कल, साउथ अफ्रीका भी अपना मैच खेलने जा रही है नेदरलैंड से। सो देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ क्रिकेट टुमारो, लेकिन फिर इस ग्रुप से तमाम तर क्रिकेट का हो जाएगा इख्तिताम। तो उसके बाद कल की हमें जो है ना सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब मजीद होप करना है या नहीं करना है। बस कल के बाद खेल इख्तिताम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, टूर्नामेंट भी फिर 3 मैचेस बड़े रह जाएंगे। और आपने कहा कि 2 मैचेस हैं, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि साउथ अफ्रीका नेदरलैंड को मार देगा। यार मुश्किल है ना थोड़ा सा, लेकिन क्या करें हम उधर उधर ही देख रहे हैं। अच्छा, बारिश का भी प्रॉब्लम है कि अगर वहां होगी तो फिर हमारे मैच में भी हो जाएगी। हाँ, ये भी हो जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, बारिश की आपने चूंकि बात कर ली है, लेट्स टेक आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अकील अहमद को, जरा जाते हैं उनके पास और उनसे जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन आ रही है बारिश के हवाले से, क्या कहा। राइट, सो डेफिनेटली विल बी फॉलोइंग टुमारोज मैचेस के कल क्या होता है। वेल, अभी तक अपडेट नहीं है कोई क्लियरली बहुत ज्यादा बारिश या बारिश के हवाले से, सो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, सो वी शुड एटलीस्ट होप के क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और ये बात तो जो अकील भी कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, ये चीज तो है कि यू नेवर नो, किस्मत की देवी मेहरबान हो सकती है, कोई ना कोई एक टीम गलती कर दे और हम बेहतर कर दें और हम आगे चले जाएं, तो पॉसिबिलिटी तो है। साउथ अफ्रीका की जीत के बाद कम से कम ये पॉसिबिलिटी तो है कि आखिरी जो ये लीग के मैचेस हैं उसमें हम मौजूद हैं इस पोजीशन पे कि अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। अगर तो हम वो मैच हार जाते तो हम फिर ये कह रहे होते कि देखें जी अब तो कुछ मजा ही नहीं है, कौन देखेगा। तो कल पूरे दिन लोग इसी चक्कर में देखेंगे कि हमें कहाँ से फायदा हो रहा है, और सुबह 5 बजे पहला मैच है तो ज्यादातर लोग तो 5 बजे से ही देखना शुरू कर देंगे। और अगर 5 बजे वाला एग्जैक्टली मिस भी कर दिया, नोबडी इज गोना मिस इंडिया वाला मैच, क्योंकि एवरीबॉडी इज लुकिंग एट दैट मैच। अगर हम जीत गए तो एग्जैक्टली, अगर हम जीत गए तो वो वहां अपना हार गए तो फिर कोई भी मैच नहीं देखना था हमें तो। लेकिन हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, होपफुली यस वी विल विन एंड आई थिंक वी शुड विन। ठीक है, रिगार्डलेस कि क्या होता है रिजल्ट, क्या नहीं रिजल्ट होता है, आपने अच्छी क्रिकेट तो खेलनी है ना, और क्रिकेट यहां पे खत्म नहीं हो गई, देयर इज लॉट ऑफ क्रिकेट कमेंट्री। देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं कि हमें जो पहले भी बात थी कि भले सेमीफाइनल के लिए आप क्वालिफाई करते लेकिन आप 3 मैच जो आखिर के थे वो हम जीते, तो वो अब अगर साउथ अफ्रीका को भी हमने हरा दिया है और अगर बांग्लादेश को भी, तो ठीक है हम हार मतलब वर्ल्ड कप से शायद बाहर हो जाएं, लेकिन आप एक अच्छे नोट पे ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप ज़रूर बैठें सोचेंगे क्या गलतियां हुई थी और अपनी टीम को कैसे बेहतर करना है, तो वो तो सभी सोचेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी सोचना शुरू कर देगा तो आप भी सोच लेंगे। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इफ पाकिस्तान डज मेक टू सेमीफाइनल्स, व्हाटएवर हैपेंस इफ पाकिस्तान डज, जो क्रिकेट हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखी है, दैट शुड बी द मोटिव ऑफ प्लेइंग क्रिकेट हमारा। पाकिस्तान ने जिस अग्रेसिव अंदाज में बैटिंग किया, वो तो देखिए सादिया, कल हमें अंदाजा होगा कि वो जो चीज हमने की थी कि कल हम कर रहे नहीं कर रहे। हमने अक्सर देखा पाकिस्तान ने बीच में T20 में इस किस्म की क्रिकेट खेली और फिर वो वापस उसी रूप में आ गए, वही पूरी बारी, वही सुकून। बट व्हाई डज दैट हैपन? भाई आपका माइंडसेट है ना, एक बार आप खौफ में हैं, आपका जब एक जहन में आ गया है, जो बात जो हम आप कर रहे थे वर्ल्ड कप के दौरान 160 आपकी सोच ही नहीं है 200 की,
जब आप सोचेंगे नहीं 200 का तो आप करेंगे कैसे? लेकिन यही टीम आपको सिडनी में इस तरह से चलते हुए दिखती है, एंड वी डू से यूजुअली कि यू नो जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, ये मैनेजमेंट का काम है कि वो यू नो व्हेन वी वर टॉक अबाउट द स्ट्राइक रोटेशन वी डू टॉक कि भाई आप ब्रेवली अपनी शॉट्स तो हिट करें, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स तो खेलें, आप एग्रेसिव क्रिकेट तो खेलें, लेकिन फिर वो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान को करते हुए देखा. शुड वी गिव दैट क्रेडिट टू मैनेजमेंट? और जब हम देख रहे हैं कि अदरवाइज हम पूरा क्रेडिट प्लेयर्स को देते हैं तो इसका भी क्रेडिट सारा के सारा प्लेयर्स को जाना चाहिए, कोई एक दिन के अंदर तो लाइफ नहीं चेंज हो गई. देखिए आपके दो मेन प्लेयर्स जो लंबा खेलते हैं वो जल्दी आउट हुए, मतलब उसके बाद हारिस बीच में आए, उन्होंने कोशिश की शॉट मारा तो एकदम से जो बाहर थे बैठे हुए उन्होंने कहा ये क्या. फिर वो हारिस जाते हैं और उसके बाद इफ्तिखार शुरू हो जाते हैं. फिर इफ्तिखार के बाद जब शादाब की बारी आती है तो वो भी बिला खौफ शुरू होते हैं और फिर रुकते ही नहीं है. तो जब उन्होंने चांस लिया लगना शुरू हो गया तो उसके बाद तो फिर मतलब फिर बारी सारी ख़त्म कर दी ना. वहाँ से या तो आप बिल्कुल नीचे गिरते, आप 120-130 पे आउट हो जाते, लेकिन आप जब शुरू हुए तो अगली टीम जब खौफ में आना शुरू हुई तो आपने उसका एडवांटेज दिया और आप खुल के खेले. प्रॉब्लम सारी जो होती है वो ये होती है कि जब आपके ओपनर्स लंबा खेल जाते हैं और जो मिडिल ऑर्डर आता है उस पर तनकीद कई जगहों पे बनती भी है, लेकिन उनको जो टाइम मिलता है ना वो मिलता है 40 बॉलों का 36 बॉलों का 12 ओवर के बाद, तो फिर वो कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? 5 बॉलों में खेलें और उसके बाद आप कहते हैं अग्रेसिव भी खेलें, पॉसिबल नहीं होता. तो जब आपके ऊपर से आउट हो गए ठीक है ठीक है, तो आई विल ब्रिंग टू दैट कि हम क्या होप कर रहे हैं इस हवाले से. लेकिन आई डू हैव टू आस्क अबाउट द प्रैक्टिस एज वेल. क्या हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपनी जीत के लिए कि हमें लगा कि हमें अब मजीद प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सो वी आर गोना बी रेस्टिंग, ऐसा वाला सिनेरियो क्यों है आज कि हमने कोई? देखिए आप प्रैक्टिस वो सब करते हुए आ रहे होते हैं, बाज़ वक़्त आप प्लेयर्स को चाहते हैं कि थोड़ा वो रिलैक्स करें और उसके बाद कल आगे मैच कर लेते हैं. अभी तो रिलैक्स ही है, उसके बाद क्या, दिस इज द डू और डाई मैच फॉर अस. ऐसा नहीं होता, बाकी टीमें भी अक्सर इस तरह से करती हैं. ठीक है जिम में उन्होंने कर लिया होगा, बट वो जीत भी तो रही होती है. नहीं, हम भी जीते हैं. ठीक है, बांग्लादेश से मैच है तो बाज़ औक़ात होता है कि आप कर लेते हैं, क्योंकि अब देखो अगर आप उसूली तौर पर देखें तो आपने वो मैच एक बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना है और आपने जीतना है. अब अगर आप आपको पता है कि सब लड़के फिट हैं तैयार हैं, आप उस पर नेट करें और एक आध को अनफिट बीच में हो जाए तो उससे बेहतर है कि ठीक है अब आखिरी मैच खेलें, आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड कप में तैयार ही हैं. ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आज आपने रेस्ट कर लिया तो कोई मसला पड़ गया. सही है, जो मुझे असल बात करनी थी वो ये कि फिर हम यही होप करें कि बाबर और रिजवान नहीं चलेंगे तो बाकी टीम चलेगी, बिकॉज दिस इज द पैटर्न. हम होप करते हैं कि बाबर और रिजवान जल्दी, हो सकता है कि ये आखिरी वर्ल्ड कप का मैच हो तो वो देखेंगे जी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस तरह से लड़के खेले हैं, हम भी खेलें, भले आउट हो जाएं, अब नीचे वाले कर रहे हैं रन, कोई बात नहीं, चांस ले लें, क्या होगा. लेकिन इतना बड़ा दिल शायद आ जाए, अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े दिल के साथ सोच के साथ जाएं क्योंकि बाबर पे बहुत प्रेशर है, बाबर ने परफॉर्म नहीं किया थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, राइट, एक तरह का प्रेशर होता है, तो वो देखने को उस प्रेशर में किस तरह से आके परफॉर्म करते हैं. बड़ा प्लेयर तो हमेशा जब प्रेशर होता है तो रन कर देता है, बट ही डिडंट रियली टेक दैट प्रेशर बिकॉज़ आखिरी गेम है, अपना गेम खेलेगा तो प्रोबब्ली इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर हिम एंड रिगार्डलेस के इसका रिजल्ट क्या होता है. ऑल्सो यू फील कि जो चेंजेस नहीं अभी तक दिखाए गए हैं, होपफुली कल के लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्यों होगी, आप जीती हुई टीम के साथ जाएंगे तो बनती नहीं है. सब ठीक है, इसी टीम के साथ जाना चाहिए और अच्छा खेल के जीतना चाहिए, ये हमारे जहन में होना चाहिए. बाकी जो को कर रहा है, अगर कोई हार जाता है बाहर हो जाता है अलग बात है. हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होना चाहिए जो हम जाएं और हम जीतें, इस सोच के साथ. इससे आगे हमारे हाथ में नहीं है, जो कंट्रोलेबल है वो हमारे हाथ में ना, हमें इस वक्त रन रेट का कोई चक्कर है, जाएं कोशिश करें अच्छे उससे जीतें, लेकिन पहले जीतें. राइट, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट कि पाकिस्तान को करना क्या होगा कल के मैच में. व्हाट शुड वी डू, बैट फर्स्ट, सेट अ गुड टोटल लाइक वी डिड इन द लास्ट मैच? बिल्कुल बिल्कुल, बैटिंग करें आप 160-170 रन, नहीं तो 180 आपने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट किए तो आप वो भी कर सकते हैं. आप बड़ी सोच के साथ जाएं, आप 200 कर सकते हैं, बड़े रन करें, आप बड़े रन करें और अच्छा कन्विंसिंगली जीते, बड़े मार्जिन से जीते, ताकि आप अच्छे नोट पे खत्म करें ना, खौफ निकाल दें. अब ये खत्म हो गया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आप सारे 2-3 जल्दी आउट हो गए थे और नीचे वालों ने आके जिस तरह खेला, तो ये अंदाजा यकीन कर लें कि आप अच्छा आपके मिडिल ऑर्डर पे ट्रस्ट करें. अगर उन्होंने पिछले मैच में किया कि जी आप भी खुला खेलें,
मैं नहीं कह रहा कि जाती मारना शुरू कर दे, लेकिन हम अपने एक जहन बनाए कि जी 6 ओवर में हमने 50 से ऊपर करना, 50-60 के करीब करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। लेट्स सी अब वो क्या करते हैं। वेल, हम होप कर रहे हैं कि जो भी वो करते हैं वो अच्छा करते हैं अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए और अपने आप को बेहतर एज अ क्रिकेटर करने के लिए। कल का गेम खेलते हैं, यहाँ पे लेना है ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे कि बाकी टीमें अपना मैच कल कैसे खेलेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, कल आपने देखने हैं 3 मैचेस जिस पर होगी ज्यादातर पाकिस्तानियों की भी तगड़ी नजर। ऑब्वियसली इंडिया में फैंस देख रहे होंगे क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि इंडिया का कल का मैच जीतना कितना जरूरी है, और प्रेशर में कुछ भी हो जाता है, और अगर बिल्कुल एंड में 3 गेमें हों तो कुछ भी हो जाता है। तो ऑब्वियसली अब कल के जो 3 मैचेस है उस पर आपको बता दें, सुबह सुबह आपने उठ जाना है क्योंकि पहला मैच है 5 बजे, 5 बजे है मैच साउथ अफ्रीका वर्सेज नेदरलैंड, सेकंड मैच इज गोइंग टू बी पाकिस्तान मैच, दैट इज गोइंग टू बी एट 9 o'clock, 9 AM आप देखेंगे बांग्लादेश वर्सेज पाकिस्तान from Adelaide, and then last but not the least, India का मैच है कल। अब देखना यह है कि क्या इंडिया कल अपना मैच जीत पाती है जिम्बाब्वे से या नहीं होता ऐसा। एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट कि बाकी टीमें कल अपने अपने मैचेस किस तरह से खेलेंगी। कमिंग फर्स्ट टू साउथ अफ्रीका's मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंडिया's मैच। बिन, आपको पता है साउथ अफ्रीका तो एक ही तरीके से खेलते हैं, जितना हमने वर्ल्ड कप भी देखा है कि वो तो अपनी अग्रेसिव पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे। और नेदरलैंड की बॉलिंग साउथ अफ्रीका के अगर आप अंदाजे से देखें तो वो इतनी उनके लिए परेशान को नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी बॉलिंग स्पीड भी जो है वो इतना कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है, स्पिनर्स भी ऐसे नहीं है कि तंग करें। तो उसको देखते हुए साउथ अफ्रीका अगर पहले बारी करता है तो मेरे ख्याल से वो बड़ा टोटल करेगा। और आप अगर ऑन द अदर हैंड देखिए तो नेदरलैंड के लिहाज से जो उन्हें थोड़ी बहुत भी परेशानी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हुई थी तो वो पेसर्स और फास्ट बॉलर से हुई थी, क्योंकि उनके पास भी 3 तो ऐसे तेज बॉलर हैं कि जो 140 प्लस करते हैं। तो इसलिए नेदरलैंड के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के चांसेस बड़े मार्जिन से जीतने के ज़्यादा हैं। तो वो जो एक था ना कि जी सिर्फ एक बारिश एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका बाहर हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज बेचे बात करें तो 90% चांसेस साउथ अफ्रीका के जीतने के, 10% के ज़रूर है। क्योंकि वो या तो कोई एशियन टीम होती ना, बांग्लादेश भी इवन होती या श्रीलंका दूसरे ग्रुप में, अगर इस टाइप की भी कोई टीम होती तो उनसे थोड़ा सा पता होता कि जिस स्पिनर पर वो फंस सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बॉलिंग नहीं नज़र आ रही कि जिससे कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। होने को तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग मुझे नहीं लगता कि इनसे कुछ ज्यादा तंग। बारिश के चांसेस वैसे भी कोई नजर आ नहीं रहे हैं, सो ऐसा कोई चांस है नहीं और अभी तक कोई फोकस्ड भी नहीं है। लास्ट इज गोइंग टू बी इंडियाज मैच, क्योंकि बीच में पाकिस्तान का मैच है। अब इंडिया का मैच जिस टाइम पर आ रहा है वहां पर अगर देखेंगे तो शाम हो चुकी होगी, सो ऑब्वियसली इंडिया विल बी ट्राइंग द बेस्ट टू सेट अ गुड टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, इंडिया को एडवांटेज ये होगा कि उनके सामने सारी पिक्चर होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, दोनों मैचेस हो चुके होंगे, अब क्या हो रहा है और उसके बाद फिर आखिरी मैच है उनका, और शुक्र है हमारे सामने ये पिक्चर नहीं होगी, वरना प्रोबेबली वुड हैव लॉस्ट इट। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। तो खैर, उनके सामने सारा क्लियर होगा कि उन्हें क्या करना है, उनका मेन टारगेट उन्हें जीतना है, वो जीतेंगे उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे, तो उनके लिए इतना बड़ा इशू है ही नहीं, उनका मैच जीतना है। हमारा ये है कि जी अगर हम जीतते हैं और इंडिया अगर हारता है तब हम कुछ सिनेरियो हमारा बनता है, या उनके मैच में बारिश हो जाती है, साउथ अफ्रीका हार जाता है, तब कुछ चांस बनता है। तो हम बस अपनी क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, बाकी बट वी नो दैट जिम्बाब्वे हैड बीन प्लेइंग लाइक देयर ऑल आउट क्रिकेट, यू नो, कल हमने अफगानिस्तान को अ लिटिल एंड तक ना हारते हुए देखा है, सो नॉट दैट आई रियली, मतलब ठीक है इंडिया ने भी अच्छी क्रिकेट खेल के यहाँ तक आया, सो यू एवरी टीम दैट हैज कम हियर ऑलमोस्ट डिजर्व्स व्हाट वेयर दे स्टैंड, राइट। लेकिन सिर्फ एक मैच की हद से मैं बात कर रही हूँ कि देखें, आज श्रीलंका का मैच था, श्रीलंका ने जान मारी, पूरी कोशिश की कि इफ दे कुड जस्ट विन इट, बिकॉज आप सिर्फ ये नहीं देख रहे कि कौन सी टीम आपके जीतने से और हारने से कहाँ क्वालिफाई करेगी, नहीं, आप ये भी देख रहे हैं कि आपने अपने मुल्क जब वापस जाना ना तो वहां पर कौन सी शक्ल दिखानी है, बिकॉज आपने फेस सेविंग भी करनी होती है कि अगर आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं तो अच्छे नोट पे करें, जैसे हम पाकिस्तान के लिए ये देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली कल जिम्बाब्वे भी पूरी जान पाएगी ना, कोशिश करेगी कि हमने जीतना है, और दे हैव ऑलरेडी ट्राइड इट अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, जिम्बाब्वे का तो कोई भी
उनके मुल्क में भी उम्मीद नहीं थी कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे. फर्स्ट राउंड पे अगर वो शायद बाहर हो जाते तो उनके यहाँ बहुत तनकीद होती. सही. वो तो उन्होंने एक टारगेट तो अपना अचीव कर लिया ना कि सेकेंड राउंड की एक बड़ी टीम को उन्होंने मारा, पाकिस्तान को हरा के जा रहे हैं, तो उनकी तो काफी बड़ी कामयाबी एक हो गई है. इसका कतई मतलब नहीं कि वो अपना आखिरी मैच नहीं जीतना चाहेंगे. इंडिया का जहाँ तक देखा गया है, इंडिया जिस किस्म की जिम्बाब्वे की बॉलिंग है या टीम है, इन छोटी टीमों को ज़्यादातर वो बड़े सुकून से पकड़ लेते हैं. पता तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, जिस किस्म की उनकी बैटिंग है उसने कोई ऐसे जितना बुरा अभी तक किया नहीं है. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके सूर्य कुमार, कोहली, शुरू में केएल राहुल भी चल गए, रोहित शर्मा उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन बैटिंग उनकी ऐसी है कि अब टूर्नामेंट के अगर उन्हें अगले स्टेज पे भी वो जा रहे हैं नॉकआउट स्टेज पे, तो उन्हें परफॉर्म करने की एक अपॉर्चुनिटी है छोटी टीम के आगे. छोटी टीम में इसलिए कहूँगा कि इंडिया एक बड़ी टीम है और जिम्बाब्वे का उतना कोई परफॉर्मेंस भी एज सच हमारे मैच के अलावा कोई इतनी खास नहीं रही है. सही है. और वो नीदरलैंड से आप जो हारे तो उससे वैसे उनको भी झटका लगा. तो इससे मुझे लगता है कि इंडिया को भी जीत जाना चाहिए. पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका तीनों को अपने मैचेस जीत जाने चाहिए. राइट. एंड इस नोट पर अपनी क्रिकेट को एटलीस्ट खत्म करना चाहिए पाकिस्तान को भी कल के लिए. लेकिन मैं अपनी होप्स हाई रखूंगी बिकॉज आई रियली वांट पाकिस्तान टू मेक इट टू सेमीफाइनल्स एंड हु डजंट रियली वांट टू. अब इसी उम्मीद के साथ अपने शो को कर दें खत्म कि कल पाकिस्तान जीत जाएगा और फिर सेमीफाइनल्स पर पहुंच जाएगा. वेल वी विल सी दिस हैपनिंग. आई होप आई विल ड्रीम अबाउट दिस ऑल्सो, मुझे लग रहा है. एनीवे, शो का वक्त हो गया, खत्म होगी आपसे कल मुलाकात इस अच्छे नोट के साथ कि पाकिस्तान जीत गया है और आगे क्या क्या हुआ है. सी यू टुमारो. बाय बाय.